हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। टुडे आवर टॉपिक इज आईयूपीएससी नेम पार्ट टू। प्रीवियस वीडियो में हमने आईयूपीएससी नेम बनाने सीखे थे और आईयूपीएससी नेम की मैंने आपको एक इजी टेबल भी बताई थी। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के आईयूपीएससी नेम बनाने सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो हमने आईयूपीएससी नेम बताए थे वो सिंपल कंपाउंड्स के थे, जिनके हम इजीली आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आज हमें पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मीन्स नाम से ही कॉम्प्लेक्स है, मीन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो पहले हम आईयूपीएससी नेम बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं, तो मैं एक एग्जांपल से आपको सारे आईयूपीएससी नेम के रूल्स पढ़ाऊंगी, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम लिखने में हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है वो पढ़ाऊंगी। अगर आपने वो रूल्स अच्छे से समझ लिए तो कॉम्प्लेक्स आईयूपीएससी नेम भी बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो रूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रूल्स को आप मेरे साथ साथ लिख भी लेना, ठीक है, और बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगी आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जो ये रूल्स है ना, ये हमें रटने नहीं है, ये हमें सिर्फ समझने हैं, जिससे कि हम जब आईयूपीएससी नेम लिखें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको ये कंपाउंड दिख रहा होगा, तो जो हमने सिंपल कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम सीखे थे उसमें तो सिर्फ एक चेन होती है, हम काउंट करके कार्बन्स को उसका आईयूपीएससी नेम लिख लेते हैं। लेकिन अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिल रही है। इसमें 1, 2, 3, 4 तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ही दिख रहे हैं, तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुआ ना कि इसका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम कुछ रूल्स पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जो आईयूपीएससी नेम बनाते हैं ना, तो उसमें एक तो साइड चेन बनाते हैं और एक बनेगी उसमें मेन चेन या चेन। साइड चेन और ये चेन क्या है? अब हमने क्या पढ़ा था, जब सिंपल आईयूपीएससी नेम लिखे थे उसमें ऐसे बस सीधा जुड़ रहा था, तो एक तो ये चेन होगी जो सिंपल चेन होगी, और फिर इसके साइड में जो यहाँ पर जैसे ये जुड़े हुए हैं, ये है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये साइड चेन में चले जाएंगे। तो क्या याद रखना है कि इसमें एक तो चेन होगी और एक होगी इसमें साइड चेन। सेकंड है कि कार्बन पर ही नंबर डालेंगे हम, जो और अदर कुछ दिया हुआ होगा जैसे OHSCl है, NO2 है, तो इन पे नंबर नहीं डलेगा, लेकिन COH में कार्बन आ रहा है तो कार्बन पे नंबर डलेंगे। ठीक है, और जो कार्बन होंगे, सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे आपको, कोई भी कार्बन ऐसे नहीं होगा कि वो ना जुड़ रहा हो एक दूसरे से। अब बात करते हैं कि हम नंबर किस तरफ से डालें। तो कार्बन पे जब नंबर डालेंगे वो उस तरफ से डालेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है, या फंक्शनल ग्रुप से नंबर डालने स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप पे, तो नंबर हम यहां से डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, बाकी सब कहां चलेंगे, साइड चेन में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप पे नंबर डालना है, उसके लिए एक टेबल है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग टेबल है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो टेबल मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, नंबर उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। नेक्स्ट रूल ये है कि जितने भी कार्बन होंगे उनको एक सीरीज में ही नंबर डालेंगे, और जो सीरीज में चेन में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 1, 2, 3 यहाँ पे डालेंगे, तो ये गलत होगा। क्यों? हमें कोशिश करनी है कि चेन जितनी लंबी से लंबी बन सकती है, तो 1, 2, 3 बनाएंगे तो ये सारे देखो छोटी चेन बनी, लेकिन यहाँ से 1, 2, 3, 4 है ना, 5 यहाँ तक बनाएंगे तो चेन कितनी लंबी बन रही है। तो कोशिश करनी है कि चेन हम लंबी से लंबी बनाएं। फिर क्या होगा कि जिन कार्बन पर हमने नंबर डाल दिए हैं वो तो कहलाएंगे हमारे चेन के कार्बन या श्रृंखला के कार्बन, और जिन कार्बन पे या जिन अदर फंक्शनल ग्रुप पे नंबर नहीं डले हैं वे कहलाएंगे साइड चेन के कार्बन। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमें नंबर डालने हैं वो फंक्शनल ग्रुप से डालने हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में हम एक ही चेन में हम सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को रख सकते हैं, बाकी के जो होंगे वो साइड चेन में चले जाएंगे। लेकिन अगर एक ही टाइप के दो फंक्शनल ग्रुप हों तो वे दोनों के दोनों चेन में आएंगे। ठीक है, और कौन से को पहले रखना है, कौन से को बाद में रखना है, उसकी मैं यहाँ पे आपको एक टेबल लिख करके दिखाती हूँ, उस टेबल को आप नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें किसको पहले रखना है चेन में या किसको चेन में नहीं रखना। सो मैंने जो ये टेबल लिखी है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मीन्स
इनके अकॉर्डिंग ही हमें क्या रखना है कि पता करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप चेन में आएगा कौन सा नहीं। अगर चेन में या अगर किसी कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत सारे आईयूपीएससी नेम बनाने के लिए दिया गया है और उसमें फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे दिए गए हैं, तो उसमें हम चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखेंगे। जैसे सी ओ एच है, ये सबसे टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पे है, तो अगर उसमें सी ओ एच प्रेजेंट होगा तो सी ओ एच कहाँ पे रखा जाएगा, चेन के अंदर रखा जाएगा, बाकी के चेन के बाहर रखे जाएंगे। अगर सी ओ एच ना हो करके फिर अदर कोई होता है तो उसको देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है, वो चेन के अंदर रखा जाएगा। जैसे हम इस एग्जाम्पल से ही अगर बात करें तो देखिए, जो ये सी ओ ओ एच है, ओ एच है मीन्स सी ओ एच क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, आइसोसाइनाइड, ठीक है। एन सी ओ एच क्या है, एल्कोहल, एन एच टू यहाँ पर क्या था हमारा, एमाइन, एन एच टू के बाद में ओ था, ओ क्या होता है, ईथर, ईथर के बाद नाइट्रो, एंड देन है हेलोजन, ठीक है, ये सीरीज है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही रखना है। अब देखिए कि इसमें हमारे पास एल्कोहल है, क्लोरीन है, मतलब क्या हुआ, ये हेलोजन है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहाँ पे आता है, हेलोजन में आता है। सी ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनओ टू यहाँ पर क्या हुआ हमारा, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारा, सी ओ एच सबसे टॉप पर है, मीन्स क्या, चेन में इसको रखा जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको रूल में भी बताया कि हम नंबर कार्बन पे डालते हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि चेन जितनी से जितनी लंबी बन जाए, 2, 3, 4 नहीं, क्योंकि ये है क्लोरीन और नंबर हमें कहाँ डालने हैं, कार्बन पर, 4 एंड 5। तो ये ऐसे बन जाती है चेन, ये हमारी बन गई चेन, इतना आया समझ में। और ये हो गए हमारे साइड चेन के एलिमेंट या साइड चेन के कंपाउंड के साइड चेन में जो इतने भी एलिमेंट्स हैं। अब क्या याद रखना है कि ये बन गई। अब एक चीज और भी याद रखनी है कि जब हम ये जो साइड चेन वालों के नाम लिखेंगे, इसका नाम तो सिंपल है, जो हमने सिंपल आईयूपीएससी नेम बनाने सीखे थे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। सी ओ एच लगा हुआ है तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, लेकिन इनके भी तो हमें नाम लिखने होंगे, तो इनके नाम लिखने के लिए भी टेबल है। मीन्स क्या कहा गया है कि अब वैसे तो हमें पता है कि ओ एच के एल्कोहल लिखा जाता है और उसके लिए ऑल वर्ड लगता है, लेकिन साइड चेन में जाने के बाद में कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी तो सेम रहता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का हम क्लोरो लिखते हैं, तो इसमें भी क्लोरीन का क्लोरो ही रहेगा। NO2 है, नाइट्रो लिखते हैं, तो NO2 का इसमें भी नाइट्रो ही रहेगा। CH3 क्या है, मिथाइल हो जाएगा। मिथाइल वाइल सीरीज में देखना, जो मैंने आपको एल्किल सीरीज लिखवाई थी उसमें नाम है CH3 का मिथाइल, तो मेथ है क्योंकि एक कार्बन है और YL लग जाएगा मिथाइल। लेकिन OH जो है, वैसे तो इसको एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन जब ये साइड चेन में चला जाता है तो इसका नाम OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी से डिनोट करते हैं, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। ऐसे ही सिर्फ एक या दो ही हैं, ऐसे दो तीन हैं जिनके नाम चेंज होते हैं। जैसे एक तो OH का होता है, ये भी मैं आपको एक टेबल दे देती हूँ जिससे कि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। जो COCl है उसका हो जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सी, अगर वो साइड चेन में आता है तो। अगर वो चेन में रहेगा तो उसका नाम, जैसे हमने सिंपल आईयूपीएससी नेम लिखे थे, सेम ऐसे ही रहेगा। CO जो है उसका हो जाएगा ऑक्सो, ठीक है। CN होता है साइनाइड, लेकिन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइनो। और जब अगर ये चेन में हो तो क्या लगता है, CN की जगह नाइट्रिल लगता है, ठीक है। OH का मैंने बता ही दिया है आपको, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। CHO हो एल्डिहाइड तो इसका हो जाएगा एल्डो। लेकिन कब होगा, जब ये जितने भी ये हैं फंक्शनल ग्रुप, जब ये साइड चेन में हो, ठीक है। तो नाम लिखना स्टार्ट करें, नाम लिखने से पहले एक चीज और भी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा पहले लिखना है, ये भी तो ध्यान में रखना है। तो वो किससे पता चलता है हमें, वो पता चलता है हमें अल्फाबेटिकली, मीन्स ए टू जेड देखते हैं, अल्फाबेटिकली देखते हैं कि पहले कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, एच, एम, सी और एन है, इनमें से पहले क्या आएगा हमें पता है, ए, बी, सी, तो सी पहले आता है, तो पहले ये लिखा जाएगा, फर्स्ट नंबर पे ये लिखा जाएगा नाम, ठीक है। फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, फिर एच आ रहा है तो सेकेंड नंबर पे एच वाला लिखा जाएगा, आई, जे, के, एल, एम, थर्ड पे एम, फिर एम एन आ जाएगा, फोर्थ पे ये,
और फिर लिखा जाता है ये जो चेन है उसका नाम। तो इस कंपाउंड का नाम कैसे बनता है मैं बताती हूँ। सो इसका नाम हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया क्लोरो, लेकिन इसमें नंबर भी डलेगा कि क्लोरो जो है वो कौन से नंबर पे जुड़ रहा है, तीसरे नंबर पे। तो थ्री क्लोरो, ये IUPAC नेम लिख रही हूँ अब मैं इसका, थ्री क्लोरो। फिर क्या है, सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी दूसरे नंबर पे जुड़ रहा है, मींस दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू हाइड्रोक्सी। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमारा है मिथाइल, मिथाइल दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है, तो टू मैथिल या मिथाइल कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। फोर्थ नंबर पे है हमारा नाइट्रो, जो कि फोर्थ नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है, फोर नाइट्रो। और फिर चेन का नाम मेट एट प्रोब ब्यूट पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो एन और ई हटाकर क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो गया, थ्री क्लोरो टू हाइड्रोक्सी टू मिथाइल फोर नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ रूल्स समझाए हैं, ठीक है। इन रूल्स के अलावा भी बीच बीच में ना, कभी जब हम अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं IUPAC नेम में, तो बीच बीच में ना क्या होता है कि कुछ रूल्स और निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो हम कैसे नाम लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स में ही बताऊंगी, वहीं पे डिफाइन करूंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम कुछ वीडियोस में यही IUPAC कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम्स पर बनाऊंगी, जिससे कि आपको ईजिली सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए किसके IUPAC नेम बनाने की। सो मैंने एक और एग्जाम्पल के लिए ये कंपाउंड उतारा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब इसका IUPAC नेम हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड में, पहले तो हमें वही जो मैंने आपको टेबल बताई है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है इनमें से, देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है, NH2 NO2 ठीक है, COCl CN, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें पहले ये याद रखना होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको हमें चेन में रखना है और किसको हमें साइड चेन में रखना है। तो वो टेबल जो मैंने अभी आपको बताई है उसको ना आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने सामने उसको ओपन करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वो अपने आप याद हो जाएगी। अब देखिए उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर था, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद उसमें क्या था, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में था ईस्टर, ईस्टर के बाद में था एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें ना हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना हमें ईस्टर दिख रहा है, लेकिन हमें एसिड क्लोराइड दिख रहा है, तो एसिड क्लोराइड पे डलेगा पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। अब यहीं से हमारे सारे के सारे हम कार्बन पे नंबर डालेंगे। रूल वही है कि हमें नंबर ऐसे डालना है कि चेन लंबी से लंबी हो सके, तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ तक डालती हूँ तो बस 6 तक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 तक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 हो रहे हैं। तो नंबर कैसे डालेंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गई हमारी चेन। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, साइड चेन में। तो इन पे ऐसे सर्कल कर लेते हैं कि ये सभी साइड चेन में चले गए हैं। अब साइड चेन के नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के, CN क्या हो जाता है, मैंने बताया था CN वैसे साइनाइड होता है, इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है साइड चेन में साइनो। NO2 का हमारा वही रहता है नाइट्रो, NH2 का भी वही रहता है एमीन, ठीक है, एमीन तो ये होता है, सॉरी एमीनो ही कर लेंगे। CH3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिथाइल या मैथिल, कौन सी सीरीज से, एल्किल सीरीज से, वो एल्किल सीरीज और एल्केन सीरीज मैंने इसलिए ही लिखवाई थी जिससे कि IUPAC नेम बनाने में हमें इजी हो। ये क्या हो जाएगा, मेथ एथ, दो कार्बन है ना, एक और दो, तो मेथ एथ, ये क्या हो जाएगा, एथ, ठीक है। तो IUPAC नेम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे हम, अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा ए, ए तो 5 नंबर पे क्या है हमारे पास, 5 एमिनो। फिर ए के बाद क्या आता है हमारा सी, सी कौन से, साइनो कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, 3 नंबर पे है हमारा साइनो। देन हमारे पास आता है ई, तो हमारा ई कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 4th कार्बन पे, 4 नंबर पे है हमारा इथाइल।
फिर है हमारा फिफ्थ नंबर पे मिथाइल। देखो अल्फाबेटिकली ही लिख रही हूँ मैं अभी तक, ठीक है, अल्फाबेटिकली कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। ए बी सी डी ई, फिर ई के बाद एम आता है ए टू जेड में, फिर एम के बाद क्या आएगा इसमें से एन, तो सिक्स नंबर पे है हमारा नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। तो साइड ग्रुप के तो साइड चेन के तो सभी एलिमेंट्स हो गए। अब देखते हैं ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे हेप्ट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, ये लगेगा। यहाँ से ई हट करके क्या लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम। COCl क्या होता है, एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, लगता है ऑयल क्लोराइड। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 5 एमिनो 3 साइनो 4 इथाइल 5 मिथाइल 6 नाइट्रो हेप्टेन ऑयल क्लोराइड। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इजी से इजी वे में समझा सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, आज मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करा दूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल्स ही कराएंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अब आपको देख करके लग रहा होगा कि इतना हार्ड इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका हम IUPAC नेम कहाँ से कैसे लिखेंगे, कहाँ से नंबर डालना स्टार्ट करेंगे, लग रहा होगा ना। तो डरने की बात नहीं है, इजी ही है ये भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें OH है, एल्कोहल, NO2 है, CHO है, हाँ बस यही तीन है। तो इन तीनों में से हमें चेन में कौन सा रखना है पहले हमें वो देखना है। सो, क्या बताया था, फिर से वही, अपने पास आप ओपन करके या लिख करके जरूर रखना। COH है, फिर ईस्टर होता है, फिर एसिड क्लोराइड होता है, फिर एमाइड है, फिर साइनाइड है। लेकिन इसमें ना ये है ना ये है, ना एसिड क्लोराइड है ना एमाइड है। एमाइड के बाद आता है टेबल में साइनाइड, ना इसमें साइनाइड है। फिर आता है एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड है, हाँ एल्डिहाइड है। तो इसमें नंबर डलेगा एल्डिहाइड से, तो यहाँ से नंबर डलने इसमें स्टार्ट होंगे, कहाँ से, एल्डिहाइड से। अब नंबर कैसे डालेंगे जिससे कि हम लंबी से लंबी चेन बना सके, तो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 सबसे लंबी चेन यही बन सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो गई हमारी चेन। बाकी कहाँ चले जाएंगे, साइड चेन में। तो ये सभी हमारे कहाँ पे चले गए, ये सभी साइड चेन में। फिर से वही करेंगे, पहले साइड चेन के एलिमेंट्स के नाम रख लेंगे। NO2 क्या होता है, नाइट्रो। CH3 क्या होता है, जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर लोगे ना तो आपको ये अपने आप ही रिवाइज होते चले जाएंगे, फिर आपको रूल्स वगैरह कुछ भी याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके IUPAC नेम समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स करते रहना होगा। काफ़ी मैं भी आपको करा दूंगी, लेकिन कुछ आपको खुद से भी करने होंगे, ठीक है, हो गया। फिर से वही करेंगे, अल्फाबेटिकली क्या लिखेंगे, जो साइड चेन के एलिमेंट्स है या साइड चेन के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या आता है, ई आता है, तो तीसरे नंबर पे तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे इथाइल, 6 नंबर पे हाइड्रोक्सी। अब एक चीज देखिए, आप हाइड्रोक्सी के बाद में क्या आता है यहाँ पर, मिथाइल, सॉरी मिथाइल, ठीक है। लेकिन मिथाइल 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 तीन जगह है, तो मैं तीन बार मिथाइल 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 तो लिखूंगी नहीं, तो हम डालेंगे नंबर। कि एक तो मिथाइल कहाँ पर जुड़ रहा है हमारा, फोर्थ नंबर पे जुड़ रहा है, ठीक है, और कहीं भी है, एक ये भी तो है यहाँ पर, ये भी मिथाइल है, ये छूट गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे है, फिर फोर्थ नंबर पे है, फिर हमारा फिफ्थ नंबर नहीं सिक्स नंबर पे है, ठीक है, सिक्स नंबर, 4 3 4 एंड 6 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब एक चीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 अब ये चेन यहाँ पे भी तो घूम सकती थी ना, तो हम इसको भी क्या करते हैं, अगर हम इसको भी इसी चेन के अंदर ले ले, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो ये 7 हो जाएंगे। अब देखो, अब और भी यहाँ पे चेन हमारी लंबी हो गई, तो ऐसे ना हमें कर करके देखते रहना है कि जितनी लंबी चेन बन सकती है हमें उतनी लंबी चेन बनानी है, ठीक है। तो अब क्या रहा हमारे पास, तीसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, फोर्थ नंबर पे और सिक्स नंबर पे, और कितना है। अब यहाँ पर एक और नया रूल आता है, मैंने कहा था कि जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो रूल भी निकलते रहेंगे। तो देखिए, जब कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप या कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट या कोई भी
जो भी ये दिया हुआ है एल्किल ग्रुप एक से ज्यादा बार हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार हो, तो पहले नंबर पे तो वो सिंपल लिखा जाता है कि अगर एक होता तो मैं यहाँ पे मिथाइल लिख देती। अगर वो एक से ज्यादा हो, दो हो, तो उसके लिए लगता है डाइवर्ड, और अगर वो तीन हो तो उसके लिए लगता है ट्राइवर्ड, और अगर वो तीन से ज्यादा हो, चार हो, पांच हो, छह हो, तो उनके लिए लगता है टेट्रावर्ड। तो यहाँ पर देखिए थर्ड फोर्थ एंड सिक्स नंबर पे तीन है, तो तीन मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्राई मिथाइल। एक रूल नया यहाँ से बन गया, तो ये हमें साथ साथ करते चलना है, ठीक है। अब क्या रह गया, मिथाइल के बाद में रह गया यहाँ पे नाइट्रो, और हमारा थर्ड नंबर पे ही क्या जुड़ा हुआ है, थर्ड पे नहीं, फिफ्थ नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो। तो जो साइड चेन के एलिमेंट्स थे, साइड चेन के फंक्शनल ग्रुप थे, उन सभी का नाम हो गया। अब लिखेंगे हम जो चेन में है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा, हेप्ट के बाद में ए एन, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी एच ओ, तो सी एच ओ के लिए हम क्या लगाते हैं, ए एल। क्या बताया था कि ओ एच, अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो तो ओ एल लगता है, सी एच ओ हो मतलब एल्डिहाइड तो ए एल लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। तो क्या नाम बन गया इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, 3-methyl-6-hydroxy-3-4-6-trimethyl-5-nitro-heptanol। सो ये आज मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी कुछ और एग्जाम्पल्स ही करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें वही देखना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये है COH और एक है CO। अब इसमें से हमें पता है कि जो COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो टॉप पर है ना, जो इम्पोर्टेंट वाली टेबल है उसमें COH क्या है, टॉप पर है, तो COH से नंबर डालेगा, तो 1, 2, 3, 4। अब एक चीज देखिए, ये वाला ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ना चेंज है। अब मैंने आपको रूल में बताया था कि जितनी लंबी चेन बन सकती है उतनी लंबी चेन बनानी है हमें, और सिर्फ हम एक टाइप के ही फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 और 5, अगर मैं यहाँ पर ऐसे नंबर डाल देती हूँ और ऐसे ये चेन बना देती हूँ, तो ये CO और CH3 बाहर रह जाते हैं साइड चेन में। अब हमें पता है कि जब हम साइड चेन का नाम लिखते हैं तो उसमें नंबर डालते हैं कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम CO पे तो नंबर डाल देंगे कि ये फोर्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन CH3 पर क्या नंबर डालेगा वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक मजबूरी हो गई कि हाँ, हम रूल को थोड़ा सा हमें ब्रेक करना होगा, तो हम 4, 5 और 6 ऐसे नंबर डालेंगे इस बार, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर चीज का कोई ना कोई, हर किसी फॉर्मूले में एक्सेप्शन होता ही होता है, मींस अपवाद होता ही होता है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता। जैसे क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता ही होता है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने भले ही नंबर तो डाल दिया है CO पर, लेकिन इसका नाम जो है वो लिखा जाएगा साइड चेन के साथ में ही। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा रूल तो यही था ना कि हम एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप को ही चेन में ले सकते हैं, तो इसका नाम साइड चेन में लिखा जाएगा। और CO का मैंने जो टेबल में लिखवाया है अभी, CO जब साइड चेन में चला जाता है, वैसे तो ये कीटोन है, कीटोन में ओ एन ई लगता है जब हम IUPAC नेम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये साइड चेन में चला जाता है इसके लिए लगता है वर्ड ऑक्सो, ठीक है। वो मैंने अभी अभी आपको एक टेबल लिखवाई है, आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं। CH3 हमें पता है क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये वाला CH3 भी क्या हो जाएगा, मिथाइल, क्लियर। अब इसका हमें लिखना है IUPAC नेम। सो हमारे पास दो मिथाइल है, दोनों किस पर जुड़े हुए हैं, थर्ड नंबर पे, एक थर्ड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक फोर्थ नंबर से, तो 3-4। दो के लिए मैंने अभी क्या बताया था, क्या वर्ड लगता है, डाई मिथाइल, ठीक है। और अब क्या, 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा, ऑक्सो, और बस फिर चेन का नाम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स काउंट हो गए, क्योंकि इस कार्बन पे हमने नंबर डाला है, तो क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्स। अब एन क्यों लगाया है, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है और ओइक ऐसे, तो इसका क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, 3-4-dimethyl-5-oxo-hexanoic acid। आई होप आपको ये आज कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम भी समझ में आए होंगे। जिन्हें अगर कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे ही और भी एग्जांपल्स करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।